आइए निसार नींद वाणी का अफसांचा सुनते हैं, बर्फ का कफन। मैंने आखिरी मलका को सार मरी में कदम रखा था। रात के 11 बज रहे थे कि अचानक बर्फ गालू की सूरत आसमान से बरसने लगी। मैं अकेला नहीं था, वो भी मेरे साथ थी। उसे मैंने लाहौर से साथ लिया था। वो एक और थी जिसे मैंने कराची से निकलते वक्त फोन करके राजी किया था कि वो मेरे साथ चंद रातें मरी में गुजारी। 30,000 रुपए में मामला तय किए थे जो मैंने उसे पेश की अदा कर दिए थे, क्योंकि उसकी वही माँ बहुत बीमार थी। हम दोनों हाथों में हाथ डाले बर्फ पर चलती की बातें भी करते जा रहे थे कि अचानक उसका पैर फिसला। मेरे हाथों से उसका हाथ निकल गया। वो खाई में गिरती चली गई थी। रात के अंधेरे में वो मुझे नजर नहीं आई। काफी देर तक मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन मदद ना आनी थी ना आई। मैं भी वापस अपने होटल में आ गया। सारी रात होटल में अफरा तफरी का आलम था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसका जिक्र करूं और किससे करूं। क्या बताऊं कि वो मेरी कौन थी, मेरा उसे क्या रिश्ता था। सुबह हो गई मगर वो नहीं आया। मैं 3 दिन तक उसी होटल में रहा और तन्हा ही रहा। तीसरे रोज जब बर्फ से ढके रास्ते खुले तो मैं उस मुकाम पर गया जहां वो गिरी थी। लोगों का रश लगा हुआ था। करीब जाकर देखा वो बर्फ का कफन ओढ़े लेटी हुई थी, जैसे कह रही हो मेरा यहाँ कोई नहीं है।